नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। फुलेरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहां पर कौन कौन मौजूद रहे हैं और किस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की है, आइए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने गांधी चौक पर विधायक निर्मल कुमावत व भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगरवासियों की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित अन्य वीर सपूत जो कि विमान दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उन सभी वीरों के सम्मान में नगरवासियों की ओर साय दीपदान व मौन धारण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोज आहूजा, रतन राजौरा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, महामंत्री सुरेश सैनी मारवल सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, अभी हाल ही के अंदर मां भारती के सच्चे सपूतों के साथ जो असामयिक दुर्घटना हुई है, सर उसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, देश के लिए बहुत संकट का समय है। विशेष तौर से डिफेंस क्षेत्र में हमने बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर्स हमारे को दिए हैं और पूरी एयरफोर्स और आर्मी इसकी, मैं समझता हूँ, पूरी तरह तक जाएगी। इसकी सीरियस इंक्वायरी चल रही है और आज इसी क्रम में फुलेरा शहर के हमारे समस्त लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग और प्रतिनिधियों ने मिलकर सामूहिक रूप से इनको श्रद्धांजलि दी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब लोग मिलकर देश के जवानों के प्रति संकट की घड़ी में हम सब एक हैं, हमने ये संदेश देने की कोशिश की। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 पर। नमस्कार।